बात करते हैं फिल्म पद्मावत की। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चार राज्यों में बैन को गलत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिल्म पूरे देश भर में रिलीज होगी। दरअसल मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इसकी रिलीज पर लगे बैन के खिलाफ फिल्म मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों में फिल्म रिलीज पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया है। बीते साल से विवादों में घिरी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फिल्म पद्मावत के रिलीज को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में राज्यों को नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के साथ ही फिल्म पद्मावत के इन राज्यों में रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें फिल्म पर बैन नहीं लगा सकती। अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया है तो इसकी अनदेखी करते हुए राज्य सरकार इसे अपने यहाँ बैन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी वजह से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिल्म बैन कर देना कोई रास्ता नहीं है। हम आपको बता दें कि फिल्म पद्मावती की कहानी को लेकर शुरुआत से ही विरोध चल रहा है। विरोध की वजह से मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की राज्य सरकारों ने अपने यहाँ फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया था। इन राज्यों में बैन के खिलाफ निर्माता संजय लीला भंसाली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद जल्द ही याचिका पर सुनवाई की गई और फैसला फिल्म मेकर्स के पक्ष में आया। फिल्म में रानी पद्मनी के विवादित चित्रण का आरोप है। करणी सेना ने कहा है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मनी के बीच ड्रीम सीक्वेंस है। घूमर गाने पर भी रजवाड़ों ने विरोध जताया है। हालांकि निर्माताओं ने तमाम बिंदुओं पर कई बार सफाई दी। सेंसर बोर्ड ने भी इसे लेकर 5 अहम बदलाव के सुझाव दिए थे, जिसे निर्माताओं ने पूरा कर दिया। फिल्म का नाम तक पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पद्मावत पर छाए संकट के बाद अलव हट चुके हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन का दौर अब भी जारी है। कई जगहों पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी राजपूत और करणी सेना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अब संबंधित राज्य सरकारें अपना पक्ष सोमवार तक रख सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि आने वाली 25 जनवरी को फिल्म पद्मावत सिनेमा घरों में दस्तक देगी और 24 जनवरी की रात को फिल्म का स्पेशल प्रीव्यू भी रखा जाएगा। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत 3 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी। सेंसर बोर्ड ने 5 मॉडिफिकेशन के साथ फिल्म को US सर्टिफिकेट दिया है। वहीं ये देश की पहली ऐसी हिंदी फिल्म होगी जो IMAX 3D हिंदी में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आइए अब आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद करणी सेना प्रमुख लोकेंद्र पाल सिंह समेत बाकी लोगों ने क्या क्या रिएक्शन दिया। मैं आज अब जो 2-4 राज्यों का हमें समर्थन प्राप्त था, पूरे देश के सामाजिक संगठनों से अपील करूंगा, पद्मावती नहीं चलनी चाहिए, फिल्म हॉल पर जनता कर्फ्यू लगा दे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का हम सबको सम्मान करना ही होगा और एक फैसला आया है, फैसले का स्वागत करते हैं। और बेसिकली ये लड़ाई जो है बेसिकली कानून और भावनाओं के बीच की लड़ाई है। कानून में भावनाएं नहीं होती, तो सर्वोच्च न्यायालय ने सारे पेपर्स की तहकीकात करके एक फैसला दिया है और हमको और सरकार को और लोगों को जो है इसका सम्मान करना होगा। फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। सेंसर बोर्ड से फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। फिल्म में 5 कट के साथ दीपिका के घूमर गाने में बदलाव किए गए हैं। आखिर और क्या क्या हुआ है, आइए देखते हैं। बीते साल से विवादों में घिरी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती अब पद्मावत नाम से 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, जिसकी ऑफिशियल घोषणा प्रोडक्शन हाउस की ऑफिशियल साइट्स पर भी कर दी गई है। फिल्म का नाम भी बदल दिया गया है। फिल्म के नए पोस्टर पद्मावत नाम के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म से विवाद घट गया है। विवाद तो अब भी हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि कई राज्यों में फिल्म रिलीज नहीं होगी। वहीं जिन राज्यों में पद्मावत रिलीज होने वाली है, वहां राजपूत करणी सेना फिल्म के विरोध प्रदर्शन और रिलीज रोकने की कोशिश के लिए लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। वैसे पद्मावत में 5 बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव फिल्म के घूमर सॉन्ग को लेकर किया गया है। घूमर गाना रिलीज होते ही पॉपुलर हो गया था।
स्कूलों और कॉलेज के फंक्शंस में भी स्टूडेंट्स ने घूमर सॉन्ग पर जमकर परफॉर्मेंस दिए थे। वहीं मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के घूमर डांस पर भी जमकर बवाल हुआ था। करणी सेना और राजपूत सिंह का कहना था कि रानी पद्मनी का अंग दिखाना उनकी बेइज्जती करने जैसा है, इसलिए अब विरोध के बाद सेंसर बोर्ड की बात मानते हुए मेकर्स गाने में दीपिका पादुकोण की कमर को कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए ढक दिया गया है। मतलब दीपिका के बदन का कोई भी हिस्सा अब उजागर नहीं रहेगा। गाने को नई टेक्नोलॉजी के मदद से रीएडिट किया जा रहा है। वहीं आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि राजा और रानी कहां के हैं, यानी फिल्म में सब कुछ काल्पनिक होगा। फिल्म में किसी भी राज्य का नाम नहीं दिया जाएगा, साथ ही डिस्क्लेमर प्लेट भी लगाई जाएगी। वैसे आपको बता दें कि पद्मावत रिलीज होने के लिए तैयार है और उम्मीद करते हैं कि दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हाय, मैं हूं शिल्पा शिरोडकर और प्लीज कीप वॉचिंग IBC 24। हाय, आई एम फैसल खान एंड यू आर वॉचिंग IBC 24। Keep watching. Hi guys, this is Gandhi Singh and you're watching IBC 24. Hi, this is Ali Fazal and you're watching IBC 24. Hello, this is Sandeep Soparkar and you're watching IBC 24. Hi, my name is Jay Soni and you're watching IBC 24.